फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई अनदर ब्लॉग। मैं काफ़ी टाइम बाद मिलती हूँ। आई नो आई एम लेजी पर्सन, मैं वीडियो तक नहीं बना सकती। ठीक है, तो कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे, आई विश आप लोग अच्छे हों हमेशा। और मैं तो रहती हूँ, तो मैं अभी आई हूँ गाजीपुर। ओके, गाजीपुर और भी स्टे कर रही हूँ एक होटल में। यहाँ पे किसी वर्क से आई थी और मुझे यहाँ पे स्टे करना पड़ रहा है बिकॉज कल भी यहीं पे वर्क है। मैं दो दिन का था, कल का भी आज का भी, तो मुझे लगा ठीक है ना, कौन जाएगा वापस बनारस, देन वापस आएगा, तो मुझे लगा रुक जाना चाहिए। और ये कंपनी फैसिलिटी दी है कि ये ऑप्शन दिया, अगर आप स्टे करना चाहते हो तो आई कैन प्रोवाइड यू होटल रूम। तो ये है अपना रूम, उन्होंने लाके मुझे पानी और सोप दिया है। और आई फील टायर्ड, तो मुझे भी बात लेना है। और ये देखो प्यारा सा क्यूट सा मिरर लगा हुआ है वहाँ पे, दिखेगा इसमें सिर्फ मुंडी दिखेगा और बहुत अच्छा दिखेगा। और बाहर का मैं दिखाऊँ, मुझे बिस्तर पर से उठने का मन नहीं कर रहा है, पसंद आई मीन लेटने का मन कर रहा है। चलो दिखाती हूँ। अच्छा, तो ये गैलरी एरिया है और ये है लिफ्ट। ये जो वस्तु है इसको लिफ्ट कहते हैं, सबको पता होगा, लेकिन मैं इसका यूज़ कभी नहीं करती बिकॉज सम टाइम आई फील आई एम वेरी फैटी, सो आई शुड। ओके, और कभी कभी मुझे सफोकेशन होने लगता है उसमें, इसलिए मैं नहीं 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 यूज़ करती। ओके, तो मैं आई थी मॉर्निंग में, जैसे कि मैं मॉर्निंग में ही आई थी। और मुझे ना ये जो यार, एक तो लेके आई थी मैं, माइक लेके आई थी, वो तरीके से ख़राब हो गया। ठीक है, वो कनेक्ट हो ही नहीं रहा है। मैं सोची थी कि रास्ते का ब्लॉग बनाऊँगी, बट मैं उसमें कनेक्ट करिए कनेक्ट हो ही नहीं रहा है, तो मुझे लगा ठीक है छोड़ो जाने दो। और मेरे साउंड से ज़्यादा बाहर के साउंड आते, तो मुझे लगा ठीक है इतमान से बैठ के बातें करूँगी आप लोगों से। ये मेरा बोरिया बिस्तर है, इसने भी मुझे धोखा दे दिया आज, इसका भी जिप ख़राब हो गया है। कोई बात नहीं, ठीक है, सब ठीक है। ये देखो, आज एक छोटू सा टीवी मिला है मुझे और इसमें कनेक्शन भी नहीं है। सबसे बड़ी बात, मुझे अकेली नींद भी नहीं आती। अभी नेक्स्ट डे का काम था तो मुझे रुकना था, अभी मैं जाऊंगी देन वापस आऊंगी। और एक दिन का अगर काम करती हूँ, सेकेंड डे मैं बोल दूँ कि नहीं मैं नहीं करूँगी, तो ये भी अच्छी बात नहीं है, धोखे वाली बात। तो मुझे लगा ठीक है स्टे कर लेना चाहिए था, जो फैसिलिटी दे रहा है सामने वाला तो ठीक है, बट नींद ही नहीं आती मुझे अकेले। और सबसे मजे की बात है कि मैं कल रात भी नहीं सोई, कल रात बिग बॉस का नशा लगा हुआ मुझे, तो मैं हमेशा वही देखती रहती हूँ, हमेशा वही देखती थी रात भर और रिपीट कर करके। तो देखते हैं, और अभी तो कुछ भी नहीं, मुझे यहाँ का ज़्यादा गाजीपुर का कुछ पता नहीं है, बट मैं सर्च की थी गूगल पे एंड यूट्यूब पे, तो मुझे एक दो चीज़ें दिखी हैं। मैं अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं कल जाऊँगी, घूमूंगी और आपको भी घुमाऊंगी मेरे साथ, है ना। लाइक एक कोई खुरपी पार्क है यहाँ पे, ठीक है, खुरपी, यू नो वॉट इज़ द खुरपी, उसे वो करते हैं खेत में काम करते हैं उससे, है ना, छोटा छोटा खेलने के लिए, प्लांट्स लगाने के लिए खुरपी का काम करते हैं। और इसका किस नाम पड़ा है, कल मैं जाऊँगी घूमूंगी देखूँगी फिर आपको बताऊँगी। ऐसे देख रही थी मैं, इमेजेस वगैरह बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थे, मे बी वो भी अच्छा होगा और मुझे टाइम मिल जाएगा, क्योंकि मेरा वर्क जो है वो आफ्टरनून से स्टार्ट होगा, तो मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा घूमाती हूँ। ओके, तो अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ। तो फाइनली फ़ोन को चार्ज में लगाना कहा है, एक ही है भाई, देखो ना मल अकेले इस रूम में खट खुट हो रहा है भाई, ऐसे खट खुट हो रहा है, बताओ मैं सोऊंगी कैसे, ये वर्क नहीं कर रहा है। एक बार पता है क्या हुआ था मेरे साथ, मैं दिल्ली गई थी ना, उस दिन भी होटल रूम में थी मैं, और उस टाइम मैं घूमने के पर्पज़ से गई थी, कोई वर्क नहीं था और मैं सोई थी रात के टाइम में। मैं वॉशरूम गई बाहर आके, तो मैं अकेली थी ना, तो मैं क्या की वो टीवी ऑन कर दी, क्यों, क्योंकि मुझे अकेला लग रहा था, तो मैं सोची टीवी ऑन रहेगा तो ठीक है, मतलब देखते देखते सो भी जाऊँगी और थोड़ा सा ऐसे लगता है। तो मैं उठी, अचानक से सोई हुई थी, सो गई थी मैं, उठी गई बाथरूम, जैसे मैं बाहर आई ना चैनल ही चेंज हो गया था, ठीक है, और मैं डर गई थी, मैं उस टाइम पर थी, मतलब
चूतिया जैसी हरकत, मैं डरी क्यों? पता है क्या होता है ना, कभी कभी वो सिग्नल चला जाता है ना, तो फिर वहीं से चैनल शुरू हो जाता है ना, फिर आपको चैनल इधर उधर करना होता है, ऐसा होता है ना। तो एक्चुअली वो हुआ था वो, लेकिन मेरी तो भाई यार इट्स नॉट फेयर। ये बाहर से आवाज़ें आ रही हैं, ये देखो ये कवर्ड है, कवर्ड में मैं क्या ही रखूँगी, एक दिन के लिए कोई आता है तो क्या रखता है, इतना बड़ा कवर्ड ले लिया। ये आप सिंगल रूम लो और चार लोग इसके अंदर सो जाओ। बाथरूम बंद कर दो, बाथरूम में यार शावर नहीं दिया है, मुझे लगा मुझे नहा लेना चाहिए, बट कैसे नहा लेना चाहिए, शावर ही नहीं दिया है। ये देखो ना रोड यहाँ पे नीचे, जिसको जिसको खाना है तो उसको चले जाओ खा लो। एग रोल जंक्शन है सामने, बंद हो जाओ बंद हो जाओ। बनारस में भी कंटिन्यू बारिश हो रही है और यहाँ भी कंटिन्यू बारिश हो रही है। कल रात से बारिश होना शुरू हुआ था, सुबह हो गया, फिर आज रात भी हो गया, अभी बारिश बंद नहीं हुआ है। बाढ़ ला के मानेंगे भगवान जी, अभी तो सावन शुरू भी नहीं हुआ, चार दिन में होने वाला है, शुभारंभ हो रहा है उसका। और क्या करने जा रही थी मैं, अच्छा हाँ चार्ज करना था। वो लगकर लड़की तो इसमें से टीवी निकाल देते हैं और चार्ज में लगा देते हैं, चार्ज में लगा देते हैं, उसके बाद मैं नहा लेती हूँ। शावर तो नहीं है बट ठीक है, मैं नहाऊंगी जरूर, तो मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। मैं अभी गाजीपुर स्टेशन के साइड आ गई, मतलब रूम से बाहर आ गई थी, और क्योंकि कुछ खाना था मुझे, जोमेटो से कुछ ऑर्डर हो नहीं रहा था, लेकिन ऑलमोस्ट सारे दुकानें बंद हो गई, मतलब अभी देखिए दुकानें सारे बंद हो गई हैं, अभी 10 भी नहीं बज रहा है और दुकान ऑलमोस्ट बंद हो गया। तो खाने के ये पानी मिला मुझे, पानी पानी पियेंगे और बिस्किट खाएंगे, चलते बिस्किट ले लेते हैं, वहाँ पर दिखा नहीं मुझे ढंग का कुछ, तो यही है और दिखाऊँ मैं। देखो मैं बाहर आई थी थोड़ा सा कुछ सामान लेने, अभी मतलब 10 नहीं बजे हैं, अभी मुझे मत भौंकना। शॉप क्लोज़ हो चुके हैं, मीन सारे शॉप क्लोज़ हो चुके हैं दोनों साइड के, 10 ही बज रहे हैं भाई, मुझे लगा कुछ खाने को मिल जाएगा, मैं एक बॉटल। और अभी मैं जा रही हूँ, देखिए सामने स्टेशन दिख रहा है, नहीं कैमरे में क्लियर नहीं आ रहा है, वही सामने स्टेशन ग्रीन ग्रीन बोर्ड दिख रहा है ना, तो अभी मैं होटल को वापस जा रही हूँ। एंड दिस इज़ द स्टेशन एंड और ये है मेरा अड्डा। बस एक दिन के लिए, आई मीन एक रात के लिए, अभी मैं यहाँ चली जाऊँगी, तो चलती हूँ अंदर। तो मैं आ गई रूम पे और आने के बाद ये खाना ऑर्डर कर ली यहाँ पे, ये कुछ खास तो मेरा, ये पानी बिस्किट। और पहले मैं सोच रही थी कि ये जो डब्बा है सिर्फ मैं ये खाऊंगी, लेकिन मैं ठहरी भूखड़, ऐसे मैं रह नहीं सकती ना, मतलब मौके का फ़ायदा तो उठाना चाहिए ना, रोज़ पराठा खाते वो अलग बात है, मम्मी की ममता है उसमें, तो वो रोज़ मिलता है ना, थोड़ी सी कदर नहीं करते आज। तो ये है, और अभी मैंने बटर मंगवाया है क्योंकि इसमें बटर, नान था ही नहीं, रोटी ऑप्शन था एक, तो अभी बटर मंगवाया मैंने। ये खाना मतलब जानवर, ये टिफ़िन खुल चुका है घर का, ये आलू की भुजिया जो कि मेरा खाने का मन नहीं है, 3 पूड़ी है उसके अंदर और ये 2 रोटी। पूरी की पूरी जानवर हुआ है। और ये इधर निकल चुका है खाना, अभी मैं ठूसूंगी। तो मेरा खाना मतलब मैं खाना खा चुकी हूँ, ये सारा रखा हुआ है खा के, तो अभी मैं जा रही हूँ सोने, मिलती हूँ नेक्स्ट डे मीन्स नेक्स्ट मॉर्निंग में, देखते हैं क्या कैसा होता है कल का दिन। तो अभी के लिए टाटा बाय बाय।